सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो आज भी बस एक रहस्य बने हुए हैं। इन रहस्यों के बारे में कभी कोई जान नहीं पाया है। ऐसा ही एक भारत का रहस्यमयी गांव है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने भारत में बसे एक बहुत ही खूबसूरत गांव के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देवभूमि के नाम से मशहूर हिमाचल के एक ऐसा गांव है जिसकी रहस्यमय कहानियां काफी प्रचलित हैं। इस रहस्यमय गांव का नाम है मलाणा। मलाणा गांव बर्फीले पहाड़ों और खाइयों से घिरा हुआ है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बस 1700 है। ये खूबसूरत गांव खुद में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए है। यहाँ रहने वाले लोग आपस में एक बहुत ही अजीबोगरीब भाषा में बात करते हैं जिसे कनाशी नाम से जाना जाता है। ये भाषा इस गांव के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है। यहाँ रहने वाले लोग खुद को राजा सिकंदर का वंशज बताते हैं। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, मगर एक समय था कि मलाणा गांव दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस था। इसके फेमस होने की वजह थी चरस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चरस। दुनिया भर से मीलों दूर तय करके टूरिस्ट यहाँ सिर्फ चरस की खोज में आया करते थे। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भला चरस के लिए कोई गांव कैसे फेमस हो सकता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो चरस पाई जाती है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। बेहतरीन क्वालिटी के साथ ही इसकी डिमांड भी बहुत हाई रहती है। इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। अक्सर कई बार दूसरी जगह की चरस को मलाणा टैग लगा कर बेचा जाता है। इससे चरस का प्राइस और डिमांड दोनों हाई हो जाते हैं और सेलर को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। मलाणा गांव के रहस्य सदियों से बस रहस्य ही हैं। दुनिया भर के कई देश इस गांव पर रिसर्च कर रहे हैं। यहां के लोग जमदग्नि ऋषि को ही देवता स्वरूप में पूजते हैं और जमलू देवता के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना है कि जमलू देवता को भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। इस गांव में जमलू देवता का एक मंदिर भी है। ये मंदिर भी काफी रहस्यमय है। मंदिर की दीवार पर एक चेतावनी लिखी हुई है कि अगर इस मंदिर को कोई बाहरी व्यक्ति छूता है तो उसे 3500 रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे। ये गांव सच में बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग टच बी नॉट पौधे की तरह हैं। यहाँ कोई भी बाहरी लोगों से हाथ नहीं मिलाता। अगर आप यहाँ जाएंगे और कोई सामान खरीदेंगे तो दुकानदार वो सामान आपको हाथों में नहीं थमाएगा बल्कि उसे वहीं रख देगा। इसके साथ ही आप जो पैसे उन्हें देंगे वो भी आप हाथों में नहीं देंगे बल्कि रख देंगे। हालांकि अब यहाँ काफी सारे बदलाव हो रहे हैं और यहाँ की युवा पीढ़ी इन सब चीजों से परहेज नहीं करती। शादी को लेकर भी यहाँ बहुत ही अनोखा कानून है। दरअसल यहाँ बाहरी व्यक्तियों की एंट्री नहीं है। अगर कोई गांव के व्यक्ति बाहर किसी से शादी करना चाहता है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। ये भारत देश में होकर भी भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है। हालांकि इसमें भी दो सदन मौजूद हैं, निचला सदन एवं ऊपरी सदन। यहाँ के लोग हर एक समस्या का हल स्वयं ही निकाल लेते हैं। यहाँ कोई भी पुलिस और प्रशासन के पास नहीं जाता है। जहाँ एक ओर पूरी दुनिया कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जंग लड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर ये गांव इस महामारी से एकदम सुरक्षित था। इस गांव की बाउंड्री को भी कोरोना छू नहीं पाया। इसी के साथ जब यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लगाने की बात हुई तो यहाँ के लोगों ने पहले तो वैक्सीनेशन से मना कर दिया था। बाद में जमलू देवता की इजाजत मिलने पर यहाँ के लोगों ने कोरोना वैक्सीन को लगवाया। ये गांव सच में अद्भुत है और रहस्यों से भरा हुआ है। मलाणा गांव सदियों से इतिहासकारों के लिए शोध का विषय रहा है और आगे भी रहेगा। मलाणा गांव एक प्राचीन सभ्यता के रूप में बेशकीमती है। इसकी स्थापना के समय से ही ये ऐसा है। अगर आप किसी अद्भुत जगह जाने के इच्छुक हैं तो यहाँ की यात्रा की योजना बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।